माध्यमिक शिक्षक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विगत पिछले माह 15 जुलाई 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर के और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से दिया गया, लेकिन एक माह इधर बीत गया और उधर लगातार जो 16 बिंदु मांगे चल रही हैं इस पर सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक रुख अब तक नहीं दिखा है। उस ज्ञापन में आपने कौन कौन सी मुख्य मांगे दी? सबसे मुख्य मांगे शिक्षक कर्मचारी सब की है, जो पुरानी पेंशन संबंधी है, वह शिक्षकों को राजकीय चिकित्सकों के राजकीय शिक्षकों व कर्मचारियों के बाद निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, जैसे 2014 से जो शिक्षक साथी नए आए हुए हैं वो सामूहिक बीमा से भी वंचित कर दिए गए हैं। यह तमाम मुद्दे हैं सबसे ज्वलंत, जिसमें पुरानी पेंशन की मांग सभी लोग कर रहे हैं। एक शिक्षक की जाति ऐसी है, शिक्षक बिरादरी, जिनको निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, जैसे सरकार यह मान के चलती है कि ये लोग अमृत पी करके आए हैं, इनके घर में कोई रोग नहीं हो सकता, न कि किसी रोग से प्रभावित हो सकते हैं, और जो राजकीय शिक्षकों कर्मचारियों को मिला है उन्हीं के समान हम लोग भी मांग कर रहे हैं। शिक्षा प्रदेश नेतृत्व मांग कर रहा है कि हमें भी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था से हमें आच्छादित किया जाए, और जो वित्तहीन के शिक्षक साथी हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, उन्हें भी यह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस आधार पर उन्हें भी समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इस तरह 16 सूत्री हैं, तमाम चयन पूर्णत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर शिक्षक जो हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और सरकार इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। एक ज्वलंत समस्या है, एक ज्वलंत समस्या है, सरकार दे दे, यही मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से। दादा संघ के आप अध्यक्ष भी हैं और अब तक आप शांत क्यों हैं? हम शांत नहीं है, तदर्थों की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। योगी जी को जो नौकरशाह गुमराह कर रहे थे, माननीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार साहब ने कहा है कि मुझे डायरेक्टर साहब ने गुमराह किया, अभी तक मैं सिर्फ ही 2-3 दिनों में आपको खुशखबरी दूंगा। कब खुशखबरी मिलेगी? जब दीपक साहब वहाँ से निकाल दें शासन। क्या कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी? कभी वो दिन आएगा? भी तारीख नहीं पड़ेगी, खत्म। कब आएगा वो दिन? क्या बाल गोविंद सिंह की तलवार में जंग लग